दोस्तों K-pop में दो फैंडम्स के बीच में फैन वॉर होना बहुत ही कॉमन है, लेकिन इससे भी ज्यादा कॉमन है ब्लैकपिंक और BTS के फैंस के बीच में लड़ाई झगड़ा होना, जो कि फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों रिसेंटली ट्विटर पर देखा जा सकता है कि बहुत ही सारी ब्लिंक्स ने इस चीज को शेयर करना स्टार्ट कर दिया है कि BTS और ब्लैकपिंक में कितना बड़ा अंतर है। तो दोस्तों इस फैन वॉर की सबसे पहली ट्वीट तब देखी गई जब एक आर्मी ने एक ब्लिंक की पोस्ट को शेयर किया, जहां पर उन्होंने बताया था कि वो दो फोटोज को कंपेयर करके ये बोलना चाहते हैं कि ब्लैकपिंक के मेंबर्स कभी भी किसी अवार्ड के लिए नहीं रोते हैं। उनके हिसाब से BTS के मेंबर्स ही ऐसे आइडल्स हैं जो किसी अवार्ड के लिए रोते भी हैं और बाद में इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा सैड हैं। तो दोस्तों यही नहीं बल्कि काफ़ी सारी ट्वीट्स ऐसी थी जहां पर इस बात को शेयर किया गया था। एक और ब्लिंक ने ऐसी ही ट्वीट को शेयर किया था जहां पर उन्होंने BTS जिमिन की एक फ़ोटो को एडिट करके लगाया हुआ था। दोस्तों एक्चुअली इस फोटो में जिमिन अपनी आंखों को मलते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर उन्होंने लिखा था कि ब्लैकपिंक के मेंबर किसी भी अवार्ड के लिए इस तरह नहीं रोएंगे। दोस्तों एक्चुअली ये जो उन्होंने फोटो यूज करी थी ये ग्रैमीज की ही है, जब BTS का अवार्ड अनाउंस होने वाला था, लेकिन शायद उन्हें क्लियरली ये बात नहीं पता कि ये जो फोटो है ये अवार्ड अनाउंस होने की पहले की है। यानी जिमिन अपनी आंखों में कुछ कर रहे थे, उसके बाद वो बहुत ही ब्राइटली स्माइल करने लग गए थे, उसके बाद अवार्ड को अनाउंस किया गया और उन्हें पता चला कि अवार्ड उन्हें नहीं मिला है। तो क्लियरली पता चलता है कि जिमिन अवार्ड ना जीतने पर तो रो नहीं रहे थे, साथ ही साथ वो रो ही नहीं रहे थे। हालांकि इन ट्वीट्स की वजह से ब्लिंक्स और आर्मीज के बीच में फिर से लड़ाई स्टार्ट हो गई है, क्योंकि बहुत ही सारे आर्मीज का कहना है कि ब्लिंक्स ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो किसी छोटे से म्यूजिक शो को ग्रैमी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में बहुत ही फर्क है। साथ ही साथ काफी सारे आर्मीज का ये भी कहना है कि BTS रो नहीं रहे थे, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा ब्राइटली स्माइल कर रहे थे और इस बात को एक्सेप्ट कर रहे थे कि उनको वो अवार्ड नहीं मिला है। साथ ही साथ दोस्तों काफी सारे आर्मीज का ये भी कहना था कि जब भी हम किसी काम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और हमें वो चीज़ नहीं मिलती तो हमें हमेशा दुख होता ही होता है, और काफी सारे आर्टिस्ट खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जब भी उन्हें उनका एक्सपेक्टेड प्राइज नहीं मिलता या फिर उनका रिकॉग्निशन नहीं मिलता तो उन्हें काफी बुरा लगता है। इसीलिए अगर BTS रोए भी या फिर उन्हें बुरा भी लगा तो ग्रैमीज जैसी चीज को हारने में हर किसी को शायद बुरा लग सकता है, क्योंकि BTS अपने म्यूजिक को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। काफी सारे आर्मीज ने एग्जांपल दिए कि इससे पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अवार्ड फंक्शंस में रोते हैं, बल्कि यही नहीं जिन्होंने BTS को खुद ग्रैमीज में हराया है, यानी उनकी नॉमिनेशंस में जो जीती हैं डोजा कैट, उन्होंने खुद अवार्ड लेते समय ये चीज एक्सप्रेस करी कि वो कितना ज्यादा इमोशनल है और अवार्ड लेते समय वो कितना ज्यादा रो रही थी। इससे साफ पता चलता है कि उस अवार्ड की उन्हें काफी ज्यादा वैल्यू है। हालांकि इन्हीं बातों को लेकर ब्लैकपिंक के फैंस और BTS के फैंस के बीच में एक फैन वॉर शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत ही सारे आर्मीज का कहना है कि ब्लिंक्स को इसकी कदर नहीं है और ब्लैकपिंक किसी अवार्ड के लिए सीरियस नहीं होते हैं, इसलिए वो कभी नहीं रोते हैं। हालांकि ब्लिंक्स का कहना है कि ब्लैकपिंक खुशी खुशी अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कभी भी नहीं रोते हैं। वहीं काफी सारे आर्मीज का भी यही कहना है कि ग्रैमीज की वीडियोस में देखा गया था कि BTS बहुत ही चीयरली डोजा कैट को प्रमोट कर रहे थे और इस बात को उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि उन्हें और मेहनत की जरूरत है। वो सैड थे, लेकिन वो उदास इसलिए नहीं थे क्योंकि वो हार गए, बल्कि इसीलिए थे क्योंकि वो सच में उस अवार्ड को चाहते थे। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि इस फैन वॉर को लेकर आपका क्या कहना है, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।